2020-21 के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आप एक नई कक्षा में आ गए हैं, है ना? क्लास 2 से क्लास 3 में आ गए हैं, है ना? तो अब इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका। अनोखी क्यों है ये कक्षा? ये कक्षा अनोखी इसलिए है क्योंकि जब आप स्कूल आते हो तो आपकी अध्यापिका आपके पास होती है, आपके साथ होती है, लेकिन यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बात करूंगी और आपको कुछ समझाऊंगी, ठीक है? तो आप सब ध्यान से सुनना और अगर मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब भी देना, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, नई कक्षा में आने के बाद बड़ा बड़ा लग रहा है? ऐसा लग रहा है क्या बड़े हो गए हो, है ना? अभी तक आप क्लास 2 में थे, अब आप कौन सी कक्षा में आ गए? 3 में। तो अब हम तो बड़े हो गए, है ना? तो बड़े होने जब लगते हैं हम, तो कुछ नई नई बातें करने का मन करता है क्या? कभी सोचा है कि आसमान में वो जो सूरज है, वो जो चमकता रहता है, कभी इधर तो कभी इधर, जगह जगह इधर से उधर पूरे आसमान में घूमता फिरता है ना? तो क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि सूरज की तरह सबको डराओ, कभी गर्मी दिखाओ, कभी गुस्सा दिखाओ और फिर इधर से उधर भागते रहो, या रात में जो चांद निकल के आ जाता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा, और एक अकेला चांद ऐसे चमक चमक के दिखाता है और छोटे 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 तारे इधर से उधर डर डर के भागते रहते हैं, है ना? क्या कभी चिड़िया को देखा है? क्या तुम्हारा कभी मन किया कि चिड़िया की तरह पंख फैलाओ और पूरे आसमान में इधर से उधर भागते जाओ, उड़ते जाओ, या कभी किसी पेड़ पर बैठो और गाना गाओ, या कभी कहीं फुदकते रहो इधर से उधर, है ना? या कभी नदी की तरह बहते जाओ, या कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। मुझे एक बात बताओ, कौन से बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने अपने पापा को शेविंग करते देखा है? सच सच बताना, क्या तुम्हारा मन करता है कि जब पापा को देखा, पापा ने यहाँ साबुन लगाया और उसको साफ किया? किस किस ने ऐसा किया है कि पापा के जाने के बाद शीशे में खड़े होकर खुद को देखा, यहाँ तो मेरे बाल निकल रहे, मम्मी देखो थोड़े थोड़े बाल निकल के आ रहे हैं, मुझे भी शेव करनी है, किया था ना? और कौन सी गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने मम्मी को देखा और पर्स टाका, लंबी लंबी हील्स पहनी, अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहने और मम्मी को देखकर उनका भी मन किया कि मैं भी इधर से उधर जाऊं, मम्मी की तरह मैं भी घूमूं और मम्मी की तरह जोर जोर से डांट भी लगाऊं। घर में बड़े लोग डांट लगाते हैं ना जब तुम शैतानी करते हो, है ना? क्या कभी मन में नहीं आया कि तुम भी उनकी तरह सबको डांट लगाओ, है ना? तो चलो आज हम इसी सब के ऊपर एक कविता पढ़ेंगे, है ना? और कविता का नाम क्या है? मन करता है। तो सब मेरे साथ बोलो, मन करता है, ठीक है? और अब कविता पढ़ेंगे और जो लाइन मैं बोलूंगी मेरे पीछे पीछे आप सब बोलना। तो ध्यान से देखो, मन करता है, कविता का क्या नाम है? मन करता है। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मैं भी अपनी
मूछ बढ़ाऊं। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इसी को यहाँ तक अब हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? आगे की कविता हम नए वीडियो में पढ़ेंगे, तो चलो एक बार फिर से। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर, आसमान में दौड़ लगाऊं, आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर, मन करता है चंदा बनकर, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर, मन करता है बाबा बनकर, घर में सब पर धौंस जमाऊं, घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर, मन करता है पापा बनकर, मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जितना मैंने आपको सिखाया इसे याद कर लेना, है ना? और अगले वीडियो में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगले वीडियो तक आपकी हिंदी अध्यापिका आपसे कहती है बाय।